हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। पाई स्टडी सर्कल के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। और हमारा जो अध्याय है, हमारा जो आज का चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का आप देखेंगे जो टाइटल है, वो है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। आज के इस लेक्चर के बारे में आपके साथ में डिस्कस करते हुए, मुझे ये बताते हुए आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज के इस टॉपिक में हम काफ़ी नॉलेज गेन भी करेंगे और हम भारत और भारत सहित जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी हम चर्चा अपने इस लेक्चर के अंदर करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया की इसमें बात हो रही है। तो दक्षिण एशिया में आप देखेंगे कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये सभी एशिया के अंदर स्थित हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो इसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि कॉमन चीज़ें कहलाती हैं। जैसे कि आपको या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, और उसी महाद्वीपों की जो 7 संख्या मैं बता रहा हूँ, उसी में से एक महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसी एशिया महाद्वीप में स्थित है हमारा देश भारत, और भारत सहित भारत के ये सभी पड़ोसी देश नेबर नेशंस भी कहाँ पर स्थित हैं, एशिया में स्थित हैं, ठीक है। लेकिन एशिया में भी कहाँ स्थित हैं, एशिया में भी ये सभी देश स्थित है दक्षिण की तरफ। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके इस टॉपिक का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, अगर आपसे प्रश्न किया जाए किस महाद्वीप में स्थित हैं, तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के आपका आंसर होना चाहिए कि भारत और उसके पड़ोसी देश एशिया में स्थित हैं। लेकिन एशिया में भी जो डायरेक्शन है इनकी स्थिति का, वो देखेंगे आप कि एशिया में भी ये दक्षिण की तरफ स्थित हैं, इसीलिए इन्हें दक्षिण एशियाई देश या दक्षिण एशियाई राष्ट्र भी कहा जाता है। अब यहाँ आप देखिए भाई, सबसे पहले भारत है, ठीक है, ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है, और इसकी राजधानी है भाई नई दिल्ली, ठीक है। अगर हम बात करें इसके और पड़ोसी देशों की, तो आप देखेंगे यहाँ इसका एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। हालांकि पहले इसकी राजधानी कराची थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी का को चेंज करके, ठीक है, क्या बनाई गई नई राजधानी, इस्लामाबाद बनाई गई, ठीक है। इसका एक और अन्य पड़ोसी देश आप यहां देख पा रहे हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, ठीक है। यहां आप देखेंगे नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो यहां पर एक और पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान का कैपिटल है भाई थिम्पू। यहां म्यांमार है, म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है, और यहाँ आपका है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल है आपका ढाका। यहाँ आप जाएंगे जब साउथ की तरफ, तो आप देखेंगे कि हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है श्रीलंका, और श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है, तो वहीं यहाँ एक अन्य एक पड़ोसी महत्वपूर्ण देश है मालदीव, जिसका कैपिटल है माले। तो इस तरीके से आपने देखा, मानचित्र में भी आपको दर्शाया गया है, आपको बताया भी गया है कि ये भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति में ये सभी देश पाए जाते हैं और इनकी राजधानियां भी आपको बताई गई हैं। अगर आप देखें तो दक्षिण एशिया एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र कहा जा सकता है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी। क्यों कहा जा सकता है इसे विशिष्ट, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो इसके दक्षिण में एक महासागर है जिसका नाम है आपका हिंद महासागर। वहीं आप देखेंगे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम में है आपका अरब सागर। तो इस तरीके की लोकेशन है
इस तरीके की स्थिति है, इसलिए दक्षिण एशिया को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति प्राप्त है, इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है, यह एक क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज साउथ एशिया। तो आप देखेंगे दक्षिण एशिया नामक शब्द का प्रयोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव के लिए किया जाता है। कभी कभी प्रसंगवश, जब कभी चर्चा होती है, जब किसी देश के बारे में, विशेषकर आप देखेंगे अफगानिस्तान या म्यांमार की चर्चा होती है, ठीक है, तो हम देखेंगे इन दोनों देशों को भी दक्षिण एशिया में माना जाता है या शामिल कर लिया जाता है। कभी कभी प्रसंगवश जब उस पर कोई चर्चा होती है या उनसे संबंधित कोई वाद विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अफगानिस्तान व म्यांमार को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें का मतलब क्या है भाई, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। हालांकि चीन एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, हमारा भी पड़ोसी देश है, और क्षेत्रफल में आप देखेंगे भारत से बड़ा राष्ट्र है और जनसंख्या में भी भारत से अधिक है, लेकिन आप देखेंगे कि चीन जो है वो दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज यह है कि एशिया का ही देश है चीन, भारत का पड़ोसी देश भी चीन है, लेकिन ना तो हम यहाँ पड़ोसी होने की बात कर रहे हैं, ना हम यहाँ पर एशिया होने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिण एशिया की। तो इसीलिए आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे कि चीन एशिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, परंतु चीन दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं माना जाता है। एशिया में है लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि भारत एवं पड़ोसी देशों की या पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे भारत जब आजाद हुआ तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तभी से आप देखेंगे तो भारत जो है वो तब से एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित है। उसके बाद में हम अपने एक पड़ोसी देश के बारे में देख रहे हैं भाई, पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रारंभ में आप देखेंगे कि लोकतंत्र था, उसके बाद में सैनिक तानाशाही वहां पर आई, ठीक है, और उसके बाद में अगर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र वहां पर स्थापित है और वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम है आपका इमरान खान। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे हमारा पड़ोसी एक राष्ट्र है नेपाल। नेपाल में प्राचीन काल से राजतंत्र रहा लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र है। भूटान के अंदर भी प्राचीन काल में राजतंत्र रहा लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे तो संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा तो है लेकिन वह भी संविधान के अधीन होकर, जो संविधान में उसके कर्तव्य या उसके दायित्व बताए गए हैं उनसे वो बंधकर उसी के दायरे में रहकर वो अपना काम करता है, चुनाव होते हैं, संवैधानिक राजतंत्र है। श्रीलंका में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश श्रीलंका है वर्तमान में भी, और ये 1948 में एक उपनिवेश था उससे पहले, लेकिन 1948 में इसको स्वतंत्रता मिली और तब से आप देखेंगे कि श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश है या बना। उसके अलावा आप देखेंगे 1971 में एक देश बना बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1971 के बाद में बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया। और आप बांग्लादेश की स्थिति के बारे में यदि देखेंगे तो पहले प्रारंभ में लोकतंत्र था, उसके बाद सैनिक तानाशाही आई और वर्तमान में अब वहां पर लोकतंत्र है, शेख हसीना वहां की मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मालदीव, मालदीव आप देख पा रहे हैं कि यहां पर स्थित है, ठीक है, और मालदीव की राजधानी माले आपको बताई गई है, यहां पर भी राजतंत्र रहा लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो यहां पर लोकतंत्र है। तो आपने देखा कि भारत एवं पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति कैसी है, किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था वहां पर विद्यमान वर्तमान में है और उससे पहले क्या स्थिति उनकी रही थी, इसके बारे में इस पोर्शन में आपको बताया गया है। आगे हम चलते हैं, यहां पर लिखा है कि भारत के पूर्व में, ठीक है, कई बार इस तरीके के जीके के स्तर पर भी इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत के पूर्व में कौन से दो पड़ोसी देश हैं। तो आप देखेंगे भारत के पूर्व में जो दो पड़ोसी देश पड़ते हैं, एक आपका बांग्लादेश है और दूसरा है आपका म्यांमार।
अगर बात करें भाई आगे हम बढ़ते हैं, भारत के पश्चिम में स्थित कौन कौन से देश हैं, तो आप देखेंगे भारत के पश्चिम में दो स्थित जो पड़ोसी देश हैं वो आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर भारत के दक्षिण में स्थित देशों की हम बात करें, पड़ोसी राष्ट्रों की, तो आप देख रहे हैं श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और यहाँ मालदीव, ठीक है, दक्षिण में स्थित है भारत के। और अगर भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देशों के बारे में आपसे प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे भाई नेपाल और भूटान, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको दक्षिण एशिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जो भी जानकारियाँ आपको दी गई हैं, वो सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण लेक्चर्स वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। कीप स्टडी इन पाई स्टडी।